नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको स्वेलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम सूजन कहते हैं हिंदी में। ये कब आती है, इसके क्या कारण हैं और इसका कैसे इलाज करें और कैसे पहचानें कि स्वेलिंग का कारण क्या है, सूजन का कारण क्या है। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या आपको भी सूजन की तकलीफ है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। तो जो सूजन है उसके कई कारण होते हैं, जैसे हर्ट से भी सूजन आ सकती है, हर्ट का पंपिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है तो, या फिर लीवर में कोई डिसऑर्डर है, लीवर फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है तो सूजन आ सकती है। दूसरा कारण है, कई बार इन्फेक्शन है तो हाथ पैर पे, चेहरे पे सूजन आ सकती है, स्वेलिंग, ठीक है। या फिर मरीज को कोई हार्मोन रिलेटेड समस्या है, फॉर एग्जांपल थायराइड डिसऑर्डर वगैरह है तो सूजन आती है। या फिर किडनी से, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यूरिन प्रॉपर बाहर नहीं फेंक पा रही है, सारे मिनरल्स डिसबैलेंस हैं तो सूजन आती है। या बॉडी में एक्सेस सोडियम का रिटेंशन हो जाने से सूजन आती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं सूजन होने के, देखना पड़ेगा हमें क्या कारण है पेशेंट का। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि कुछ मरीजों को स्वेलिंग आती है, डॉक्टर्स उनको डायूरेटिक देते हैं, मतलब पेशाब बार बार आने की दवा, उसे थोड़े दिन के लिए सूजन चली जाती है पर वो वापस आ जाती है। कुछ पेशेंट हैं जिनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, स्वेलिंग बनी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैंने एक केस देखा कि जिसमें सूजन बहुत आ रही थी, पिछले 15 साल से पेशेंट को सूजन है, हाथ में, पैर पे, चेहरे पे। तो मैंने डायग्नोसिस किया, सारे टेस्ट कराए, सीबीसी नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, 2D एको नॉर्मल, USG होल एब्डोमेन नॉर्मल, इवन एवरीथिंग इज नॉर्मल। डायग्नोस क्या हुआ, HbA1c मैंने कराया, शुगर निकला। तो शुगर की वजह से पेशेंट को स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि जब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है तो वेसल्स थोड़ा थोड़ा लीक होने लगता है, वहां इन्फ्लामेशन होने लगता है, ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, तो वो सूजन का कारण है। तो स्वेलिंग के बहुत सारे कारण है, कई बार कुछ कैंसर की बीमारियों में भी सूजन आने लगती है। तो ऑलवेज बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सारे आप टेस्ट करके देखिए, सारे अननेसेसरी टेस्ट नहीं, टेस्ट वो जो रिलेटेड हो, जो आपको डाउट करते हैं। कई बार बॉडी में प्रोटीन लेवल डिक्रीज होने से, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी सूजन आता है। कई बार पेन, दर्द बढ़ने से, इन्फ्लामेशन बढ़ने से सूजन आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी स्वेलिंग आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ करा लें पेशेंट का, ऐसा नहीं। आप पेशेंट का हिस्ट्री लो अच्छे से, जहां जहां आपको डाउट लगता है वो सारे टेस्ट आप रूल आउट करके देखो, ठीक है। EGFR देखो, क्रिएटिनिन देखो, CBC करके देखो, HbA1c देखो, लिपिड प्रोफाइल करके देखो पेशेंट का। तो वो सारी चीजें, वो डाइटरी हिस्ट्री लो। एलर्जी की वजह से भी सूजन आता है, कई बार एंजियोडीमा है, अर्टिकारिया है, इनकी वजह से स्वेलिंग आता है। तो स्वेलिंग के मिलियंस ऑफ कॉजेज हैं, तो मैंने थोड़े बहुत कॉजेज आपको बताए हैं। मिलियंस ऑफ कॉजेज मैंने कैसे बोल दिया, भाई लीवर में बहुत सारी बीमारी होती है उसकी वजह से आ सकता है, हर्ट की बहुत सारी बीमारियां होती है उसकी वजह से स्वेलिंग आ सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन मल्टीपल होते हैं उनकी वजह से आ सकता है। हो सकता है आपका हेमोग्लोबिन कम हो, एनीमिक हो, तो भी सूजन आ सकता है। बॉडी में हो सकता है वॉल्यूम ओवरलोड हो गया हो, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा हो, तो सूजन आ सकता है। तो ये मैंने मैक्सिमम कॉजेस जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट है और बहुत सारी चीजें बोलने के लिए है। तो ऑलवेज पेशेंट का हिस्ट्री, उसका क्लिनिकल हिस्ट्री लें, उसके बेसिस पे आप रूल आउट करें। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में तो एक ही फंडा होता है, लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, और दूसरा ट्रीट द कॉज। शुगर है तो शुगर को ट्रीट करो, लीवर की वजह से हो रहा है तो लीवर के डिजीज को ट्रीट करो, हर्ट की वजह से आ रहा है तो हर्ट की डिजीज को ट्रीट करो, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करो, एनीमिया है तो एनीमिया को ट्रीट करो, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस को हमें करेक्ट करना होगा। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, हमेशा कारण को ट्रीट करना होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो फार्मासिस्ट करेगा, डॉक्टर तो कारण ढूंढेगा और कारण को देख के ट्रीट करेगा। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं दी जाती जब तक कारण सामने नहीं है, कारण को ही ट्रीट किया जाएगा। तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट इज ट्रीट द कॉज। और कॉज को ट्रीट करने के साथ साथ लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, ये बहुत जरूरी है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।